नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता सप्रू। आज हम आए हैं 60 साल पुराने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। इस टाइपिंग इंस्टीट्यूट की खासियत ये है कि यहाँ आज भी टाइपराइटर पे आपको टाइपिंग सीखने को मिलेगी। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है इस इंस्टीट्यूट के ओनर MK जी। आइए MK जी से बात करते हैं और पूछते हैं इनसे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है द स्ट्रेट लाइन पे। तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताइए कितनी पुरानी ये दुकान है? दिस वॉज स्टार्टेड हेयर इन ईयर 1962 में ये दुकान शुरू हुई। तो कितना रश हुआ करता था उस टाइम पे? यहाँ उस वक्त बहुत रश था, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट सारे यहीं थे। हाई कोर्ट भी इधर ही था, सिविल सेक्रेटरी भी इधर ही था, जिसको हम कहते हैं ओल्ड सेक्रेटरी। सारे डायरेक्ट्रेट्स भी इधर ही थे। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था इधर, सब डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस था। देन इसके बाद जितने भी डायरेक्ट्रेट्स होते हैं वो सब इधर ही थे। और उसके अलावा कोर्ट्स थी यहाँ पर, हाई कोर्ट भी था। तो बड़ा रश था, सारा जम्मू यही था, जिसको आजकल एक कार पार्किंग बनी हुई है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, इस टाइम बैठे यहाँ पर वेले बैठे हैं, कोई काम है नहीं। अब मुझे बताइए कि इतने सालों पहले जब यहाँ पे कोर्ट हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था, जैसे आप बता रहे सेक्रेटरी, ओल्ड सेक्रेटरी यहाँ पे होता था, तब लोगों में कितना चाव था टाइपिंग को लेकर, और अब लोगों में कितना वो बोलते ना चाव ख़त्म हो गया टाइपिंग को लेकर? उस वक्त और कोई लैंग्वेज नहीं थी, जो भी करते थे सारे या उर्दू में लिखते थे। उर्दू टाइपराइटर्स भी थे, हमने उर्दू टाइपराइटर भी रखे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू काम यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि नई जनरेशन आई, उनको हिंदी आता था ना। वो या गॉट हिंदी टाइपराइटर्स आल्सो, पंजाबी टाइपराइटर्स भी है और इंग्लिश टाइपराइटर भी है। वी आर कोचिंग हेयर टाइपराइटिंग ऑन हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। शॉर्ट एंड हम सिखाते हैं शॉर्ट एंड पिट पेन, शॉर्ट एंड इंग्लिश का। और उसके बाद इसके अलावा हम बैठते थे यहाँ पर, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंसड हैं, कुछ किसी की कोई भी पेटिशन हो, कोई भी उसकी डिमांड है, जो वकीलों के पास जाना पड़ता था, वो भी हम अंडरटेक करते थे। हम मुझे बताइए कि तब से लेकर अभी तक कभी मन नहीं आया आपका कि इस दुकान को रेनोवेट कर लें या किसी और चीज़ में तब्दील कर लें? हमने सो फार आई एम कंसर्न्ड, मैंने इसके साथ पैरालाइज और भी काम रखे हैं। वो काम भी मैं अकॉर्डिंग टू माई एज मैंने काम को बंद किया। आई वॉज रनिंग माई ओन पेपर, न्यूज़ पेपर, जो इंग्लिश पेपर चलता था, उसका नाम था अवर कंट्री। I was the editor of that our country. Then I was running my printing press, जहाँ मेरे पास बड़े काम करते थे। उस वक्त तो कंप्यूटर का सिस्टम ही नहीं था, सब ट्रेडल मशीनें चलती थी। तो then we used to undertake the work for printing also. Then I was a supplier as well as printer, publisher of my paper. तो ये काम चलाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स आए, सब कंप्यूटर का काम आने लगा, तो ये काम ख़त्म होने लगा। लेकिन अब हमने यहाँ कंप्यूटर भी रखे हैं, जो हम कंप्यूटर टाइपिंग सिखाते हैं, और उसके लिए भी हमने टीचर रखे हैं कोच करने के लिए। तो लेकिन इतना मतलब नहीं चलता है जितना होना चाहिए था, जिस करके रेनोवेशन करने का फ़ायदा नहीं है। रेनोवेशन करने का वी आर इन नीड। तो ये दो दुकानें रखी हैं, दोनों दुकानों में ये काम चलता था। तो अब यह है कि मार्केट बहुत, काफ़ी जम्मू बहुत बन गया बड़ा, जम्मू नगरोटा से वहाँ सैनिक कॉलोनी तक खुला है, नीचे भी खुला है। जम्मू में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स खुले हैं। ये ओल्ड जगह को कोई आता नहीं है, अब रेनोवेशन करके क्या फ़ायदा मिलेगा? नो डाउट आई एम इंटरेस्टेड टू स्पेंड मनी, बट व्हाट फॉर दैट मनी विल गो वेस्ट। कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, क्यों नहीं आता है? नाउ रीज़न उसका यह है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर नालायक गवर्नमेंट है, ओल्ड स्पीकिंग। बोले क्यों? कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता है। लीजिए आप पहले म्यूनिसपलिटी, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके बारे में कह दूंगा आपको। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है नालियाँ ठीक रखनी है, इतनी बैड स्मेल आती है। मैं अभी ये इस्तेमाल करता हूँ मास्क, मैं मास्क के बगैर रहता नहीं हूँ। मैं दरवाज़ा बंद कर, पहले खुला था, अभी मैंने बंद किया है। इतनी डर्टी स्मेल आती है, गाड़ियों की पार्किंग है, दाईं भी बाईं भी, आप गाड़ियाँ देखें उधर भी इधर भी लगी है, कि दुकान छोड़ते हैं क्या, बच्चे बेचारे बीमार पड़ते हैं। ऐसे हमें मजबूरी है यहाँ बैठने का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट सही काम नहीं करता। बिजली बंद होती है,
गर्मी होती है, क्या करेंगे हम। मेरा भी दिल करता है एसी लगाऊं, एसी लगा नहीं सकता हूं कि वो बिजली कट आउट हो जाती है। तीसरी बात है, कोई आदमी गांधीनगर से आना चाहता है कार लेकर आएगा, वो कार के अब जगह नहीं रखने के लिए है। इतनी ट्रैफिक वाले भी काम नहीं करते हैं, आप देखिए अभी भी गाड़ियाँ कंडम हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और उनका साइट कहाँ है, यहाँ कहाँ है। पूरी मंडी में भी गाड़ियाँ लगी हैं, रास्ते में आप चलेंगे पकड़ेंगे में भी गाड़ियाँ लगी हैं। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस भी ऐसे बैठी है, कोई काम नहीं करते ट्रैफिक पुलिस। इतनी परेशानी हमें रहने के लिए होगी यहाँ पर, अब जाएँ तो जाए कहाँ। ज़िंदगी हो गई, मैं तो 80 साल का हूँ, 80 साल मेरी उम्र है इस वक्त, मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ लगाई है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर में जाऊँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, सवेरे आता हूँ खाना लेकर शाम को जाता हूँ वापस, कोई आएगा चलो। टाइपिंग आप यहाँ पे खुद सिखाते हैं या फिर आपने कोई इंस्ट्रक्टर रखा है, कोई टीचर रखा है? मैं खुद जानता हूँ, आई एम ए स्टेनोग्राफर बेसिकली। मैं पहले एम्प्लॉय था, मैंने नौकरी छोड़ी, उस वक्त तनख्वाहें कम मिलती थी, इसलिए मैंने अपना काम स्टार्ट किया। फिर ये टाइपराइटिंग नहीं था, यहाँ टाइपराइटर कंपनी चला रहा था, इट वाज अ टाइपराइटर कंपनी, आई हैड एजेंसीज ऑफ फ्यू ब्रांड्स, जैसे कि हमारे पास है हाल्डा है, एक मशीन थी, अंडरवुड मशीन थी, रेमिंगटन मशीन थी, और फिर नहीं आया उसको बोलते हम क्या नाम है इसका, वो फेसिट, FACIT फेसिट, आई वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर J&K स्टेट। काम मेरा बहुत अच्छा चलता था, मुलाजिम बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी क्या करें, अब तो ये टाइपराइटर लाइन ही ख़त्म हो गई है। अब जिसको हमने कंप्यूटर सिखाना है उसको पहले ट्रेनिंग देते हम टाइपराइटर पर, ताकि उसकी स्पीड अच्छी बनेगी, क्योंकि टाइपराइटर पर स्पीड निकालता है, कंप्यूटर पर उसकी डबल स्पीड बनती है। टाइपराइटर पर 35 वर्ड्स स्पीड पर मिनट, और कंप्यूटर में उसका 75 वर्ड्स, शर्ती है गारंटी कि मेरा स्टूडेंट होगा नॉट लेस देन 75 वर्ड स्पीड होगा कंप्यूटर में। इसलिए हमने कंप्यूटर भी रखा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पार्क करने के लिए जगह नहीं है, यहाँ स्कूटर करने के लिए जगह नहीं है, इट हैज़ बिकम हेल हियर। सब दफ्तर यहाँ से चले गए, अब भगवान के भरोसे पर हम बैठे हैं, ये हालत है हमारी बाजार की। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग हियर, एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपलिटी सबसे पहले, फिर ट्रैफिक पुलिस, क्यों पार्क करने देते हैं इनको, दे शुड पार्क देयर वे, अगर नहीं इनको गाड़ियाँ चलानी है, पुलिस शुड सीज ऑल द व्हीकल्स एंड डंप इट समवेयर एल्स। कभी आपका मन किया कि आप कंप्लेंट करते ट्रैफिक पुलिस को कि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ क्यों लगी होती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, बीइंग ए लोकल मैन, मैं कंप्लेंट करूँ कल मेरे कोई पता नहीं किस एंगल से पकड़ेंगे, भाई आपने कंप्लेंट क्यों किया, फिर कहाँ जाऊँ मैं, बताइए आप। मैं म्यूनसिपलिटी के ऊपर कंप्लेंट करूँ, बहुत दफ़ा दिल करता है मैं गवर्नर साहब को कंप्लेंट करूँ, मिलूँ खुद, बीइंग एन एडिटर आई नो राइटिंग, कैसे मैं कर सकता हूँ एक्सप्रेशन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू सिटी, लेकिन किसको बोलें, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बट आई एम ए राइटर। बेसिकली यू आई वाज रनिंग माय ओन पेपर, आपको बोला उस पेपर से चलाते रहते, लेकिन मैंने पेपर चला नहीं सकता हूँ क्योंकि फाइनेंस बहुत लगता है, प्रेस को चलाने के लिए पैसा लगता है, अब नई मशीनें लाऊँ जो मतलब चलती है कंप्यूटराइज, वो मेरे को ऐसा नॉलेज नहीं है, जिसका मुझे नॉलेज नहीं है पहले मुझे सीखना पड़ेगा। चलो भाई कंप्यूटर के लिए मैंने इंस्ट्रक्टर रखे हैं, वो चलाते हैं, लेकिन मैं अब कहाँ से पैसा करता था मैं, आई गॉट कैपेसिटी टू स्पेंड मनी, वो मेरे पास कैपेसिटी है, लेकिन व्हाट फॉर दैट विल गो वेस्ट। कि यहाँ पर आता नहीं कोई, चलता नहीं, अभी आप देखें ट्रैफिक है, आपको कुत्ते भी यहाँ नज़र नहीं आते हैं, कुत्तों को भी कुछ मिलेगा रोटी खाने के लिए, कौन देगा, यहाँ सारी दुकानें बंद पड़ी, जैसे मेरी दुकान खाली है, दोनों दुकानें मेरी, उधर एक रखा इधर बैठा हूँ मैं, यहाँ पर राम राम करते हैं, सवेरे आते हैं शाम को जाते हैं, टाइम बहलाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सारी गुजारी यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ MK जी, आपने सुना कि कैसे परेशान है ये इस एरिया में रहकर, क्योंकि यहाँ पे इनके कहने के मुताबिक जो अथॉरिटी है, जितनी भी मतलब गवर्नमेंट है, वो ढंग से काम नहीं कर रही। तो मैं स्ट्रेट लाइन पे आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, श्वेता सप्रू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।